मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा। विधायक जीतने के बाद तय करते हैं, पार्टी नेतृत्व तय करता है कौन लीड करेगा। राजस्थान में चुनावों का शोर है। एक ओर जहां बीजेपी सियासी गणित सेट कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस दोबारा सरकार बनाने की दाव कर रही है। इन दावों में सीएम के फेस को लेकर भी सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। खासकर कांग्रेस के अंदर कुछ दिन पहले ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इशारों इशारों में कहा था सीएम पद उन्हें नहीं छोड़ रही है, जिसके बाद इसकी अटकलें फिर तेज हो गईं। अगर कांग्रेस को फिर बहुमत मिली तो सियासत के जादूगर ही फिर राजस्थान की कमान संभालेंगे। लेकिन सियासी अटकलों के बीच सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि कोई खुद को सीएम घोषित करने से सीएम नहीं बन जाता, ये पार्टी हाईकमान तय करेगी। ये परंपरा पार्टी में है नहीं घोषित करने की। विधायक जीतने के बाद तय करते हैं, पार्टी नेतृत्व तय करता है कौन लीड करेगा। अभी हम सब पार्टी को जिताने में लगे हुए हैं। गौरतलब हो कि पायलट ने मंगलवार को टोंक में अपना नामांकन दाखिल किया और इशारों ही इशारों में अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया। चलिए अब आपको सुनाते हैं सीएम अशोक गहलोत का वो बयान, जिसके बाद से सीएम फेस को लेकर राजस्थान की सियासत गर्म हो गई थी। सुनिए 19 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गहलोत ने क्या कुछ कहा था। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तो समझ जाओ कितनी नहीं, हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री हिम्मत है जो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूँ, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बता दीजिए कितने मुख्यमंत्री है इतिहास में, कभी किसी ने कहा क्या? मैं कह रहा हूँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, आज ही कह रहा हूँ छोड़ना चाहता हूँ, ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और शायद छोड़ेगा भी नहीं। बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। कांग्रेस सत्ता में बने रहने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। कांग्रेस नेतृत्व लगाकर ये दिखाने का कोशिश कर रही है कि पार्टी में नेताओं के बीच कोई मनमुटाव नहीं है और एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बयानों से दोनों के बीच तल्खी दिख ही जाती है, जो फिर से नजर आने लगी है। वैसे दोनों के बीच ये तल्खी इस चुनाव से नहीं बल्कि 2018 से ही चलती आ रही है। दोनों नेता कई बार एक दूसरे पर खुलकर निशाना भी साधते रहे हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान ने दोनों नेताओं को आपसी मनमुटाव खत्म करके साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए कहा है। इन बयानों से लगता है राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। Thank you.